जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप 2023 के एस्पिरेंट हो ना, ये वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देख के जाना तुम्हारे फायदे की। मैं बहुत सारी जो बातें हैं ना वो यहाँ पे बताने वाला हूँ। एमएनएस 2022 का रिजल्ट आ चुका है, काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी परेशान चल रहे हैं कि क्या हम अब अगला जो डिसीजन है हम वो क्या लें, 2023 के लिए पढ़ें या तैयारी छोड़ दें। काफ़ी सारे इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में है कि सर 2022 के अंदर ये हुआ क्या, 370-380 वालों को सीट्स मिल गए, 525-30 वाले बच्चे रह गए, सर चल क्या रहा है, हम बहुत कंफ्यूज हैं, हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हम करें क्या। ये ना कंप्लीट आंसर वीडियो है जो कि मैं तुम्हें देने वाला हूँ, एक कंप्लीट एनालिसिस अगर वाला वीडियो। अगर तुम 2023 के एस्पिरेंट हो ना, आई गारंटी यू दिस थिंग, शुरुआत से लेके अंत तक तुम रुको, तुम्हारे सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब मैं तुम्हें बताता हूं, शुरुआत से हम शुरू कर देंगे, शर्त सिर्फ एक है, लास्ट तक टिके रहना होगा और लास्ट के अंदर अगर वैल्यू मिलेगी तो डेफिनेटली वीडियो को सब्सक्राइब करके जाना, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। मैं चलूंगा कहां से, एमएनएस 2022 से। अब हुआ क्या, कंप्लीट सुन के जाना, प्रॉपर एनालिसिस दे रहा हूं। जब एमएनएस 2022 का पेपर होना था तो उस टाइम के ऊपर काफ़ी सारे बच्चे जो थे वो इंग्लिश और जीके के अंदर प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे थे। हमारे पास भी बहुत सारे थे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे थे, बहुत सारे प्रिपरेशन इस हिसाब से कर रहे थे। हर बार बच्चे हमारे पास आ रहे थे इसी होप में कि फॉर्म अगले महीने निकल जाएगा, अगले महीने निकल जाएगा और अगले महीने निकल जाएगा। अब तुम सुनो हुआ क्या, जब पेपर को हार्डली एक महीना बचा था उस टाइम के ऊपर उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज कर दी और ये बोल दिया कि जो पेपर है आपका वो नीट के थ्रू होगा। अब यहां पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चों के दिमाग में क्या आई, काफी सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जो नीट से कभी भागे थे या फिर वो नीट से डरते थे, जब उनके सामने नीट का पेपर का नाम लिया गया ना, सारे के सारे डर के उनकी हालत खराब होगी। पहला कारण मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चे 2022 के अंदर अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए, वो इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए कि भाई नीट का पेपर आ गया था, वो इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि वो भयंकर डीमोटिवेट हो रखे थे। तुम खुद से पूछना, अगर तुमने 2022 के अंदर पेपर दिया या फिर किसी भैया दीदी से पूछ लेना जिन्होंने दिया था 2022 के अंदर। अब जब एक से डेढ़ महीना पहले नोटिफिकेशन आई, सबके तोते उड़ गए कि भाई पता नहीं इस बार क्या हो जाएगा और हमसे तो नहीं हो पाएगा। पहला सबसे बड़ा कारण उस टाइम के ऊपर ये निकल के आया। उसके बाद हमने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया, मुझे आज भी याद है 26-27 तारीख को हमने केस किया था और उसके 2 या 3 हियरिंग्स हुई थी जिसमें प्रॉपर जो डिसीजन था वो निकल कर आ गया था। अब यहाँ पर हुआ क्या था कि नीट को ही एक सोल हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया बना के चल रहे थे इंडियन आर्मी वाले कि भाई हम इसी के थ्रू लेंगे, लेकिन बाद में जब हमने हाई कोर्ट के अंदर केस किया तो वहां पे लास्ट में जो वर्डिक्स आए थे वो ये आए थे कि भाई नीट के मार्क्स तो होंगे ही लेकिन उसके साथ में साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, इंटरव्यू और साथ में मेडिकल, इनके जो मार्क्स होंगे साथ में सीबीटी के मार्क्स वहां पे कैलकुलेट किए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज थी जो कि हमने उस टाइम पे बोली थी और जो हमारी रेखापल्ली मैम थी उन्होंने भी यही चीज जो थी वहां पे बोली थी। तो अब हुआ क्या कि उसके बाद बच्चे जो थे फिर भी अपने दिमाग से वो डिमोटिवेशन नहीं निकाल पा रही थी कि 600-650 हमारे बस के लाने की बात नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी थे जो इस बार सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने हौसला नहीं खोया और वो पढ़ते रहे थे। तो अब देखो पहली चीज़ ये प्रॉपर मैं तुम्हें साइकिल समझा रहा हूँ, शुरुआत के अंदर ये चीज़ हुई, अब वहाँ पे क्रिस्टल क्लियर चीज़ बोली गई थी कि तुम्हारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो इन सारे के सारे मार्क्स को कंबाइन कर बनेगी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम 2023 के एस्पिरेंट भी हो तुम्हें नीट तो करना ही है लेकिन इसके साथ में इन एग्जाम्स की जो जिस एग्जाम के अंदर ना सेकंड फेज आ जाता है वो पेपर काफ़ी टफ हो जाता है, तो अब तुम्हें उसकी प्रिपरेशन तो करनी है नीट की लेकिन साथ के साथ में उससे ज़्यादा प्रिपरेशन तुम्हें सीबीटी की करनी पड़ेगी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट की करनी पड़ेगी और साथ के साथ तुम्हें इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, पहले जो पेपर था वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर होता था, अलग अलग सेंटर्स हुआ करते थे और इंटरव्यू के लिए फाइनली बुलाया जाता था, तो इस बार भी बच्चों को बुलाया गया। अब यहाँ पे हुआ क्या कि काफ़ी सारे जो बच्चे थे वो बहुत हताश थे फिर भी स्टिल काफ़ी सारे प्रिपरेशन कर रहे थे सीबीटी की। अब अंत में क्या हुआ, जब रिजल्ट सामने से निकल कर आया वहाँ पे मेरिट लिस्ट के अंदर अराउंड 3500-4000 जो स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पर थे। अब यहाँ पे इनमें से कुछ बच्चों को बुलाया गया, अब इसको देख के पता है क्या हुआ, बहुत सारे निराश हो गए। निराश क्यों हुए, क्योंकि वहाँ पे हाई स्कोरर्स ज़्यादा थे तो लगा कि भाई 300, 350, 400 वालों को तो कौन पूछेगा, सारे के सारी सीटें तो 550 और 600 नंबर वाले ले जाएंगे।
और हट फिर के हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी गलती हुई दूसरी यहां पे, बच्चों ने क्या किया, हताश होना शुरू कर दिया और अपना जो करियर था ना उसको ही बदल दिया। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो ले जाएंगे सीट्स इस बार, लेकिन बहुत ऐसे भी हैं जो छोड़ चुके हैं, हो सकते हैं आपने भी छोड़ दिया, आप मेरी वीडियो भी सुन रहे हो। अब ये चीज़ हुई तो मुझे बताओ हुई कि नहीं हुई, हुई ना। जब तुम यहाँ पैनिक किए तो अब क्या बोला भाई इंडियन आर्मी ने, एक और लिस्ट तुम्हारे सामने ला के रिलीज कर दी, बोला भाई वेटिंग लिस्ट वाले भी आ जाओ, बुला लिया वेटिंग लिस्ट वालों को। तो वहाँ पे 350 वालों को बुला लिया गया, सुपर वालों को बुला लिया गया, बहुतों को बुला लिया गया। अब हम तो भाई डिमोटिवेटेड चल रहे हैं ना, हमें तो लगता है कि नीट ही है जो भी है, और हम प्रॉपरली डिमोटिवेट होके इधर उधर के हम ये कॉलेज देख रहे हैं, वो कॉलेज देख रहे हैं, पर तुम मेरी एक बात गांठ बांध लेना कि तुम इस बात को नोट कर लो, जहां पे तुम इस टाइम पे गए हुए हो ना वो एमएनएस से बेटर नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी फील्ड है जहां पे तुम्हें प्रेस्टीज मिलता है, लाइफ के अंदर इज्जत मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है और एक बूस्ट मिलता है कि तुम देश की सेवा कर रहे हो, उससे सुप्रीम कुछ भी नहीं हो सकता। तो तुम वहां पे चले गए, तुम भटक गए ये सोच के कि भाई अगले साल नीट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तुमने ये नहीं सोचा कि भाई जब नीट हो जाएगा तो हमारा कंपटीशन एक्चुअल में है किस चीज़ से, चिल्ला चिल्ला के मर गया कि भाई तुम्हारा कंपटीशन उससे है जो कि एमएनएस एस्पिरेंट है, जो बच्चा 600 650 नंबर लेकर आ रहा है वो फिर से रीड्रॉप करता है। तुम्हें समझ में आ रही है बात बोल के आ रहा हूं। अब यहां पे 2022 के अंदर ये सारी की सारी चीजें हुई। अब क्या हुआ जी, बहुत सारे बच्चों को बुला लिया गया, तो उस टाइम के ऊपर काफी सारे ऐसे बच्चे थे। अब पता है तर्क कौन देता है अपनी बात को ना मनवाने के लिए, तर्क वो देता है जो गलत होता है। तर्क और मतलब आप ये मान के चलो कि तर्क बहुत सारे दिए गए कि भाई नीट का जो पेपर है बहुत टफ होता है, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने नहीं दिए एक्सक्यूजेस और लास्ट में सिलेक्शंस लेकर चले गए। तो पता है यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, जो कि 2022 के अंदर हुई है और 2023 के अंदर तुम गलती से भी गलती करके मत कर देना। पहली चीज़ कॉन्फिडेंस लूज करना, ठीक है। अब क्या हुआ, बहुत सारे एमएनएस एस्पिरेंट्स कभी इस वाले नीट के चैनल पे जाते थे, क्योंकि हमारे पास ना एनालिटिक्स आ जाती है कि भाई आपके जो व्यूअर्स है ना वो और किसको देख रहे हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे एक चैनल पे गए, एक से दूसरे पे गए, दूसरे से तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, सातवें पे, ऐसे करते करते उन्होंने नोट्स तो बना लिए लेकिन कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं हो पाई और लास्ट में सिलेक्शंस नहीं हो पाई। तो पहली सबसे बड़ी सीख 2022 से हमें यह मिलती है कि हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। पहली चीज तो ये सोचिए कि पेपर नीट का है और हमारी सिलेक्शन नहीं हो पानी है। अगर तुम डिमोटिवेट हो गए ना, आधे तुम वहीं खत्म हो गए। डिमोटिवेशन नहीं अंदर लेके आनी है, पहले तुम खुद की माइंड कंडीशनिंग तो करो कि तुम एमएनएस एस्पिरेंट्स हो यार, तुम नीट एस्पिरेंट्स नहीं हुआ। बहुत सारे ने पता है क्या किया, अलग अलग इंस्टीट्यूट, भाई हम तो आसपास का इंस्टीट्यूट है वहाँ से ना वो नीट ही पढ़ाते हैं स्पेसिफिक, हम तो वहाँ कोचिंग लेने चले गए, हम यहाँ चले गए, हम वहाँ चले गए, तुम भटक गए। इस टाइम के ऊपर 2023 साल को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, भटकना मत इस साल। अगर तुम भटक गए ना, नहीं हो पाएगी सिलेक्शन, गारंटेड चीज़ है। अब दूसरा क्या हुआ, फेथ लूज कर दिया बच्चों ने। किस पे फेथ लूज कर दिया, उन टीचर्स पे। मुझे आज भी याद है जब हम लोग प्रीमियम बैचेस चलाते थे ना, तो वहाँ पे बहुत बच्चों ने एनरोल किया था और जो टीचर्स वहाँ पढ़ाते थे ना वो सारे के सारे नीट वाले टीचर्स थे। अब वो वहाँ पे उनको हल्का लेवल पढ़ाना पड़ता था क्योंकि तुम्हारा पेपर एमएनएस का था। तो दूसरी चीज़ सबसे बड़ी गलती ये करी कि टीचर्स पे भरोसा नहीं करा, वो चले गए इधर उधर। तो मुझे बताओ कि इधर उधर भटकने वाले कितने सेलेक्ट हुए हैं इस साल। दूसरी सबसे बड़ी गलती कि अपने टीचर्स के ऊपर भरोसा ना करना, भरोसा नहीं किया। मुझे आज भी याद है 100-150 बच्चा क्लास में होता था और लास्ट के टाइम पे ना सिर्फ 10-15-18-20 बस, इससे ऊपर हमने नहीं देखे हैं लास्ट में, जब हार्डकोर नीट की क्लासेस चल रही थी। लेकिन जो बच्चा वहां टिका हुआ था ना वो लास्ट में सिलेक्शन लेके जा चुका है। समझ रहे हो तो मेरी बात, जो टिका हुआ था ना, जिसको भरोसा था अपने टीचर पे कि हाँ भाई ये करवा लेंगे और मैं कर लूंगा, उसने कर लिया। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये थी, अपने टीचर्स के ऊपर भरोसा ना करना। 2023 वालों ये रिपीट मत कर देना। तीसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि जितने भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे उनको लगा भाई सीबीटी तो वैसे ही होता है,
और जीके इंग्लिश क्या है यार, कुछ भी नहीं होता, बस हम कोई किताब विताब पढ़ लेंगे और वहीं से कर लेंगे। इंग्लिश में भी क्या ही डिफिकल्ट आ जाएगा, लेकिन जब सामने से idioms, phrases, passages, जब हाई एंड एक्सट्रीम लेवल की वो कैब सामने से निकल कर आई ना, हालतें खराब हो गई। अब यहाँ भी सीबीटी में ऐसे महानुभाव थे जिन्होंने क्या बोला मुझे, सबसे बड़ी गलती है चौथी बता रहा हूँ, ठीक है, बोला कि जी एक ना मेरे को फ़ोन आया था, वो फिर से उसने बड़ा बड़ी आर्ग्यू किया कि भाई जर्नल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, भाई तुम पागल हो कि तुम साथ में जीके भी पढ़ा रहे हो, पर हमने था कि यार हम तो पढ़ाएंगे, और लास्ट में वही हुआ। चौथी सबसे बड़ी गलती जनरल इंटेलिजेंस को देखकर और AFMC के टॉयलेट टेस्ट के साथ इसको रिलेट कर बच्चों ने जीके पढ़ना छोड़ दिया, वो सिर्फ रीजनिंग के सहारे बैठे रहे कि भाई ये भी ऐसा ही होगा। लेकिन तुम मुझे बताओ ऐसा हुआ लास्ट में? नहीं हुआ। कहीं पर रीजनिंग ज्यादा थी, कहीं पर रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं थी, किसी के शिफ्ट में थी किसी के शिफ्ट में नहीं थी, वहां पर बच्चे बहुत मात खा गए। तुम ये समझ के बैठ गए थे कि भाई नीट के बाद जो AFMC का प्रोसीजर होता है, जहां पर टॉयलेट टेस्ट होता है MBBS के लिए, सेम टू सेम हमारा पेपर आएगा, लेकिन वो नहीं आया, आधे ज्यादा वहां रह गए। अब पांचवी सबसे बड़ी गलती ये थी, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस क्यों था? अब ओवर कॉन्फिडेंस इस तरह से झलक कर आया कि यार हम तो ना 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे इसकी, जीके इंग्लिश हमने पढ़ी रखी है, और इंटरव्यू की हमें क्या जरूरत है, हम तो नीट की प्रिपरेशन करेंगे और लास्ट में ना बस हो जाएगा हमारा। सबसे बड़ी गलती ये थी कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन बच्चों ने नहीं करी, डायरेक्टली चले गए, ये कोई बात नहीं देख लेंगे, CBT की प्रिपरेशन नहीं करी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट पता ही नहीं था को होता क्या है, और एंड में पता है क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हो पाए, जिनके अच्छे मार्क्स भी थे नीट में वो बच्चे भी रह गए। ये अगली सबसे बड़ी गलती थी। अब मैं अगली गलती बताऊंगा, वो सिर्फ वो तुम्हारे लिए 2023 वालों के लिए, कि तुम्हें ये गलतियां तो रिपीट नहीं करनी है। और अगली चीज भगवान के लिए बात मान लेना कि नीट स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में मत जाना। अब तुम पूछोगे भाई क्यों नहीं जाना, वो तुम्हें इसलिए नहीं जाना क्योंकि वहां पे तुम कंपीट कर रहे होंगे स्पेशली नीट के एस्पिरेंट्स के साथ। नीट के एस्पिरेंट्स क्या टारगेट करते हैं? MBBS। अब तुम दिल्ली से हो, बिहार से हो, UP से हो, हरियाणा से हो, तुम्हें कितने नंबर चाहिए? 600 से 650 नंबर चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि भाई मेरे मॉक टेस्ट जो वहां हो रहे हैं उसमें मैं 650 टारगेट कर रही हूं, उतने मेरे आ रहे हैं, तब तो ठीक है, तुम वहां जाके ना होपलेस हो जाओगे। पता है किस चीज के लिए? तुम अपने गोल को ही भूल जाओगे कि तुम्हें MNS ऑफिसर बनना था, तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना था। वहां पता क्या होता है, एक माहौल होता है, जो नीट के स्पेसिफिक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां एक माहौल होता है कि भाई डॉक्टर 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 हमें तो यही बनना है। वहां कोई ना तुम्हारा संगी साथी नहीं होगा जो कि MNS कर रहा होगा, अगर होगा भी तो एक आधा होगा, वो बेचारा सप्रेस हो जाएगा। तुम्हें ऐसे इंस्टीट्यूशन सुनने हैं जहां पर तुम्हें MNS के साथ ना नीट की प्रॉपर कोचिंग कराई जा सके। और अगर तुम ऐसे अकेडमीज में जाओगे जहां पर प्रॉपर नीट की प्रिपरेशन होती है तो तुम मात खा जाओगे। क्यों खा जाओगे? क्योंकि वहां पे तुम यार खुद को ही भूल जाओगे, तुम्हारी एग्जिस्टेंस क्या थी। तुम ना CBT पे फोकस करोगे, ना तुम पैट पे फोकस करोगे, ना तुम इंटरव्यू पे फोकस करोगे। फिलहाल लास्ट में इतने नंबर नीट के अंदर, पर फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं होंगी। अगली सबसे बड़ी गलती पता तुम लोग क्या करोगे? अभी तुम ये करोगे, मेरी बातें ना पता क्या होती हैं, शुरुआत में लोगों ने बड़ी कड़वी लगती हैं कि भाई इसने ऐसा कैसे बोल दिया, लेकिन बाद में जब होता है उनके साथ तो हाँ फिर वो एनालाइज करते हैं, अच्छा हाँ बताया तो था पर हमने सुना नहीं। अगली तुम सबसे बड़ी गलती ये करोगे कि भाई CBT तो है, क्या हो गया, 1 से 2 महीनों में कर लेंगे, है ना, क्या कर लेंगे भाई, 1 से 2 महीनों में कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन तुम मेरी एक बात ध्यान रखना कि 1 से 2 महीनों के अंदर CBT नहीं होगा। GK का बहुत सिलेबस है, इंग्लिश का बहुत सिलेबस है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन तुम्हें डेली करनी पड़ेगी, तुम्हें साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छी से करनी पड़ेगी। अगर तुम ये सोच के चल रहे हो कि 1 या 2 महीनों में हो जाएगा तो CBT नहीं हो पाएगा। बहुत वास्ट सिलेबस है, अगर हम GK की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तुम्हें यही हिदायत दूंगा कि इस टाइम के ऊपर तुम वो इंस्टीट्यूशंस अपनी प्रिपरेशन के लिए चुनना। पहली चीज़ तो ये कि अपना भाई गोल मत बदलना, अगर तुमसे एक लक्ष्य जो है वो एक स्ट्रैटेजी से साधा नहीं गया है तो अपनी स्ट्रैटेजी बदलो, गोल मत बदलो, पहली चीज़ तो ये। दूसरी ये, नीट के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मत जाना। क्यों मत जाना? मैंने तुम्हें रीजंस बता दिए हैं, मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद भी बहुत लोग वो करेंगे जिन्होंने करना है, लेकिन गलतियाँ तुम्हें
उन गलतियों का एहसास तुम्हें होगा एक साल के बाद, ठीक है, एक साल के बाद तुम्हें एहसास होगा, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ यार बोला तो ठीक था, हमने नहीं सुनी, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, सारी की सारी गलतियाँ हैं, अगर तुम यहाँ तक टिके हो ना लास्ट तक, क्योंकि हर कोई नहीं टिकता। तो तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, आगाज बैच लॉन्च कर रहे हैं हम नीट प्लस एमएनएस 2023 की तैयारी के लिए, बिल्कुल शुरू से शुरुआत करके सिलेबस कराएंगे, सारा का सारा टू वे ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन के थ्रू कराएंगे, ऑफलाइन आओगे ऑफलाइन पढ़ाएंगे तुम्हें, बेस्ट फैसिलिटीज देंगे, तुम्हारी सिलेक्शन करवाएंगे। यहाँ तक तुम टिके हो, हर कोई नहीं टिकता, सुन के जाना। प्रॉपर तुम्हें 23 बुक्स देंगे जो तुम्हारे घरों पे पहुंचेंगी। ये मत सोच के बैठना कि क्रैश का हम वेट कर लेंगे, क्रैश के अंदर कर लेंगे, क्रैश कोर्स के अंदर कर लेंगे। क्रैश के अंदर सिलेबस लिटरली उड़ता है, इट फ्लाइज, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, इतना इनडेप्थ करवा पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ भी मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम तुम्हें यहाँ पे डबल क्लासेस लगवा के कुछ और एक्स्ट्रा लगवा के करवा देंगे, लेकिन डिसीजन जल्दी ले लो। 20 तारीख से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जितना जल्दी करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा। सोचो मत 2023 की तैयारी, अगर तुम्हारे को तुम्हारे नंबर ना 250 से ऊपर आए हैं ना 2022 के अंदर, तब तुम्हें तैयारी करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कम वाले तो उनको नहीं करनी चाहिए, उनको भी करनी चाहिए अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम कर लेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे 250 से ऊपर नंबर है तुम्हें नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इस साल तुम कर जाओगे। और अगर कुछ मेडिकल अनफिट हो गई थी हीमोग्लोबिन वगैरह की वजह से और इस बार फिर से तैयारी करना चाहते हैं तो तुम आ सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन कर ज़रूर लेना, इन गलतियों का ध्यान ज़रूर रखना, और ये बात याद रखना कि विशाल सर ने क्या क्या चीज़ें बोली हैं और क्या क्या नहीं करना है। तुम्हें हर कोई बताएगा कि तुम ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन तो बहुत कम लोग तुम्हें मिलेंगे जो ये बताएंगे कि भाई ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये था भी 2022 का प्रॉपर पेपर एनालिसिस। अब इसके बाद मैं तुम्हें मेडिकल के बारे में बता रहा हूँ कि 2022 के अंदर मेडिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो ताकि तुम 2023 के अंदर मेडिकल का भी काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखो। जो नंबर्स यहाँ पे तुम्हें दिख रहे होंगे काफ़ी टाइम से, उन नंबर्स के ऊपर कॉल करके आप आगाज बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। आगाज अच्छा है, अंत बेहतरीन होगा और बेशक बेहतरीन होगा। 2023 के अंदर सिलेक्शंस लेके जाएंगे, साथ में लेके आएंगे, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बस अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। और एक जो सबसे बड़ी डिमोटिवेशन दिमाग में भर रखी है ना कि नीट बहुत टफ होता है, ये होता है, वो होता है, उसको सबसे पहले निकाल के बाहर फेंक दो। अगर तुमने निकाल के बाहर फेंक दिया, हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पर, अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।